हनुमान यानी कि हृदय और बुद्धि का खूबसूरत समन्वय और बेहद अच्छा संतुलन। हनुमान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अगर वो तर्क करते हैं तो भावना भी उनके साथ है, वो भावनाओं के साथ तर्क करते हैं, या कह लीजिए कि वो तर्क में भावनाओं को मिला देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना खूबसूरत उदाहरण शायद दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। हाँ, कृष्ण जरूर उसके एक दूसरे अन्यतम उदाहरण है। अब आप देखिए कि हनुमान लंका पहुंच गए हैं, अशोक वाटिका पहुंच गए हैं, वहां देखते हैं कि सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। उनकी उनके जो बाल हैं जटाएं बन गई हैं, जटाएं एक वेणी की तरह लटक रही हैं, और उनको देखने के बाद हनुमान को इतना दुख होता है, देख परम बिरहाकुल सीता सो क्षण कपि ही कलप समय बीता। कल्पना करके देखिए कि हनुमान जैसा देव, हनुमान जैसा दूत सीता को देखता है कि कृष्ण तनुगात बिल्कुल दुबली पतली हो गई है, सीता वहां बैठी हुई है, और उनको देखने के बाद वो इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है, बिताए नहीं बीत रहा है वो समय। इमोशनली चार्ज्ड, फुल्ली चार्ज्ड, और केवल इमोशनली चार्ज्ड ही नहीं, ये नहीं कि उनको दुखी हो रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब आप भगवान श्री राम की पत्नी को इस रूप में देखेंगे तो उनके अंदर एक आक्रोश, एक गुस्से का गुबार भी उभर रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि मैं अभी छिन्न भिन्न कर दूं, सब कुछ नष्ट कर दूं और सीता को यहां से ले जाऊं। लेकिन नहीं, हनुमान जानते हैं कि इससे बात नहीं बनेगी। बनेगी क्या, इससे बात ज्यादा बिगड़ सकती है। और फिर यह भी तो कि अभी तक उनको यह नहीं कहा गया है कि तुम सीता को ले आना, उनको तो आदेश केवल इतना ही दिया गया है कि तुम पता लगाकर आ जाओ। अब हनुमान क्या करते हैं, इसके बाद तुलसीदास जी बड़ी खूबसूरत चौपाइयां लिखते हैं और वो कहते हैं, कपि करि हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब। अब जब सारे प्रसंग समाप्त हो जाते हैं, रावण अपनी बात कहकर के चला जाता है, सीता अकेली रह जाती हैं, तब हनुमान जी सोचते हैं, हृदय विचार, या देखिए तुलसीदास जी के मनोवैज्ञानिक समझ को, कि विचार मस्तिष्क से किया जाता है, हृदय से नहीं किया जाता। हृदय तो भावनाओं का सागर है, वहां विचार करने की गुंजाइश नहीं होती। अगर विचार करना है तो आपको मस्तिष्क से करना होगा, दिमाग से करना होगा। लेकिन उन्होंने लिखा है कपि करि हृदय विचार, वो हृदय से विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भावनात्मक और बौद्धिकता इन दोनों को मिला दिया है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस आज की भाषा में कह सकते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी इस चीज को जानते थे कि केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना आसान नहीं है। चलिए आसान अगर है भी तो कम से कम सही तो नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस का पुट होना चाहिए। यह ठीक है कि एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय में इमोशनल नहीं हो सकता, वो बिल्कुल बौद्धिक तरीके से निर्णय लेगा और ऑपरेशन करेगा, लेकिन एक लव टू ह्यूमैनिटी तो उसमें होनी ही चाहिए। तो पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं हो सकता वो, एक मनुष्य के प्रति जो करुणा का भाव है वही एक डॉक्टर को सही मायने में एक संपूर्ण और संवेदनशील डॉक्टर बनाता है। इसीलिए हनुमान यहां विचार मन से नहीं कर रहे, बुद्धि से भी नहीं कर रहे, यहां जो विचार कर रहे हैं वो हृदय से कर रहे हैं। और बहुत कुछ विचार करने के बाद, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के बाद, पूरी तरह से अपने थॉट प्रोसेस से गुजरने के बाद, फिर दिन मुद्रिका डारी तब, तब उन्होंने राम के द्वारा दी गई मुद्रिका सीता के सामने डाली। अब यहां भी हनुमान जी की होशियारी देखिए, हनुमान जी की चालाकी देखिए। वो चाहते तो ऊपर पेड़ पर बैठे हुए थे, कूद करके सीधे सीता के सामने आकर के खड़े हो जाते और बोल देते कि मैं राम का दूत हूं। लेकिन हनुमान जिसमें इतनी बौद्धिकता है और भावनात्मक संतुलन है, वो जानते थे कि अगर मैं अचानक आ जाऊंगा इनके सामने तो सीता डर जाएंगी, क्योंकि लंका तो मायावियों की नगरी है, कोई किसी भी वेश में आ सकता है। तो सीता विश्वास कैसे करेंगे कि हनुमान है और ये राम के दूत हैं, क्योंकि इससे पहले सीता के हनुमान से मुलाकात हुई ही नहीं है, कभी चर्चा में भी नहीं आए हैं हनुमान, तो विश्वास कैसे करेंगे। तो नहीं, बात का कोई अर्थ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि प्रमाण पेश कर दिया जाए।
और प्रमाण पेश करने के लिए हनुमान सशरीर उपस्थित नहीं होते हैं, प्रमाण पेश करने से पहले वो राम के द्वारा दी गई मुद्रिका डाल देते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि सीता उस मुद्रिका को उठाती हैं और फिर कहती है माया ते असि रची न जाई, कि ये मुद्रिका तो सच्ची मुद्रिका है, ऐसी मुद्रिका माया के तहत जादुई तरीके से नहीं बनाई जा सकती। और उनको हनुमान जी पर विश्वास हो जाता है। तो आप देखिए कि कैसे छोटे छोटे प्रसंगों के अंतर्गत हमें हनुमान जी की आंतरिक और बाह्य दोनों गजब का संतुलन दिखाई देता है। यहां बाह्य संतुलन इस मामले में है कि शारीरिक रूप से बहुत उत्तेजित होने के बावजूद वो सीता के सामने सीधे नहीं आते, मुद्रिका डालते हैं, मतलब अपने को इतने कंट्रोल में रहते हैं थॉट लेवल पर, इमोशंस के लेवल पर और एक्शन के लेवल पर भी, कि इन तीनों में कहीं आपको गड़बड़ी दिखाई नहीं देगी। उनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ये तीनों एक ही सीक्वेंस में काम करती हैं, एक ही लेंथ पर काम करती हैं। और जब ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से किसी में भी वही हनुमान की शक्ति, उनकी क्षमताएं आ सकती हैं। मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी का यह इतना बड़ा प्रमाण है जो हम सब के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही।